मुक्ति दिवस पर अधिवेशन भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी मौजूद हैं। इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं सीधी। कितने लोगों ने, अभिभावकों ने जिक्र किया कि हम शराब नहीं पिएंगे, 1 करोड़ से भी ज्यादा बच्चों को उनके अभिभावकों ने लिख कर दिया कि हम शराब नहीं पिएंगे और दूसरों को नहीं पीने के लिए प्रेरित करेंगे। कितना बड़ा अभियान ग्रामीण अंचल में चलाया गया, कितने नारे लिखे गए, कितने सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। हम लोगों ने पूरी तैयारी की कि अगर लागू करें तो उसके पहले इसका वातावरण बनना चाहिए, और जो तय किया था कि चरणबद्ध ढंग से लागू करेंगे फेज वाइज, 1 अप्रैल को पूरे बिहार में देसी शराब पर प्रतिबंध और ग्रामीण अंचल में और जहां तक नगर पंचायत है वहां विदेशी शराब पर भी रोक, और सिर्फ जो नगर निगम वाले शहर हैं और नगर पालिका वाले शहर हैं वहां सिर्फ विदेशी शराब की इजाजत दी जाएगी। लेकिन जब उसके लिए जब दुकानें खुलने लगी तो 1 अप्रैल 2 अप्रैल को हमने देखा, 3 अप्रैल को सब दृश्य देखा और सुना कि कहीं भी कोई शराब की दुकान खोलने नहीं दे रहा। तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई, हम लोगों ने सोचा कि अभियान चलाएंगे ग्रामीण अंचल में, अब इसके बाद शहरी क्षेत्र में अभियान चलाएंगे, इसके बाद लागू करेंगे। तो हम लोगों को लगा कि भाई ये तो इतना बड़ा उसका असर पड़ चुका है शहरी क्षेत्रों में कि यहाँ भी लोग शराब की दुकान खोलने नहीं दे रहे हैं, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। 4 अप्रैल तक विधानमंडल का सत्र चल रहा था, सत्र समापन के सामने ही हमने संबद्ध विभागों की बैठक की और कहा कल से पूरी शराबबंदी को लागू करना है। कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और उसके बाद मैंने खुद बाहर आकर के ऐलान किया कि हम टोटल प्रोहिबिशन सब बंद कर दिए। 4 दिन के अंदर फेज वाइज कहा, हम लोगों को लगा था कुछ महीने के बाद लागू करेंगे, लेकिन वातावरण कितना बढ़िया बना कि 4 दिन के अंदर ही 5 अप्रैल से पूरी शराबबंदी 2016 में लागू हुई। और वही नहीं छोड़े, हम पूरे बिहार का दौरा करते रहे, कभी स्त्री वाइज महिलाओं का सम्मेलन हुआ, लोगों के अनुभव सुने जाते हैं और ये अभियान चलता रहा पूरे तौर पर, लोगों की बात सुनते थे और ये सिलसिला हम लोगों ने चलाया। और 2016 में अभियान चलता रहा और उसके बाद हम लोगों ने सोचा ये कि भाई हम लोगों को कुछ ऐसा करना चाहिए कार्यक्रम जिसमें लोगों की भागीदारी हो, पार्टिसिपेशन हो और उससे एक बहुत अच्छा संदेश जाए। तो हम लोगों ने सोचा कि मानव श्रृंखला बनाए शराबबंदी के लिए और नशा मुक्ति के पक्ष, दोनों के पक्ष में मानव श्रृंखला बनेगी। 20 जनवरी की तारीख तय की गई 2017 में, और जो मानव श्रृंखला बनी और जो कुछ उसकी तैयारी हो रही थी, हम लोगों को लग रहा था कि लगभग 2 करोड़ लोगों की भागीदारी होगी और उसके लिए रास्ते तय किए गए, क्योंकि पहली बार इतनी बड़ी मानव श्रृंखला बन रही है। हर तरह से देखिए, लोगों को कष्ट न हो उसके लिए सड़कें निर्धारित की गई, रास्ते निर्धारित किए गए। लेकिन जब मानव श्रृंखला के लिए लोग इकट्ठा हुए तो अभी तो ये ऑफिशियल फिगर बताते हैं 3 करोड़ 10 लाख या 9 लाख, सवाल वो 1 लाइन में खड़े नहीं थे। ज्यादातर जगहों में लोग इतने थे कि एक कतार में खड़े होने से काम नहीं चल रहा था, एक कतार के पीछे दूसरा कतार के पीछे तीसरा कतार, और उसमें यही लगा कि एक कतार के हिसाब से जो कैलकुलेशन किया गया वो 3 करोड़ 9 लाख 10 लाख का था, लेकिन दरअसल कम से कम 4 करोड़ लोगों की भागीदारी थी। और जो आबादी हमारी 12 करोड़ की नहीं थी, 1/3 आबादी ने भाग लिया, बुजुर्गों ने, महिलाओं ने, युवाओं ने, युवतियों ने, छात्र छात्राओं ने, किसने हिस्सा लिया, वो मामूली दृश्य नहीं था। और दुनिया के लिए एक नया रिकॉर्ड बना, ऐसी मानव श्रृंखला बनी। मानव श्रृंखला का सिलसिला दुनिया भर में चलता है, लेकिन किसी चीज के विरोध में, मांग के लिए या कभी किसी चीज के समर्थन में,
और ये एक सामाजिक अभियान के तौर पर जो मानव श्रृंखला बनी बहुत बड़ी, और उसके बाद तो फिर इस साल भी 21 जनवरी को मानव श्रृंखला बनी बाल विवाह दहेज प्रथा के खिलाफ, उसमें भी 14,000 किलोमीटर की लंबाई। लेकिन इस बार जो हम लोगों ने मानव श्रृंखला बनाई उसमें हम लोगों ने कहा कि रास्ता आप खुद तय करिए, जहां मानव श्रृंखला बनानी हो वहां पर बनाइए। तो कुल 14,000 किलोमीटर की मानव श्रृंखला बनी सामाजिक अभियान। तो इतना बड़ा सामाजिक अभियान भी हम लोग चलाते रहे और निरंतर मैं कहीं भी जाता हूं हमेशा इस विषय पर चर्चा करता हूं। और जो इससे संबंध हमारे पुलिस का विभाग हो या पथ निषेध विभाग, इसका नाम तो था उत्पाद मध्य निषेध स्तंभ निबंधन। हमने कैसे नाम बदली, पहले मध्य निषेध रह गया इसका नाम, तो विभाग का भी नाम बदल। और अब जो काम हो रहा है इसके लिए उसकी भी निरंतर समीक्षा हो रही है। बड़े पैमाने पर सामाजिक अभियान में लोगों ने हिस्सा लिया, आज भी ले रहे हैं, मुझे खुशी है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि यह अभियान निरंतर चलते रहना, चलाते रहना। कानून बनाने से और सिर्फ सरकारी तंत्र के भरोसे किसी चीज को पूर्ण रूप से क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। सरकारी तंत्र की अपनी जिम्मेवारी है, वह तो पूरी मजबूती के साथ और सख्ती से होते ही रहेगा और जो नहीं चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जब तक सामाजिक अभियान निरंतर नहीं चलेगा तो वह चीज उतना प्रभावी नहीं हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, सबका दिमाग अलग अलग है, कुछ लोग तो है ही पीने वाले, किसी न किसी तरह से पी लेते हैं, दो नंबरी भी पी लेते हैं, शराब छोड़ा तो कुछ और नशीली चीजों का सेवन कर रहे हैं, और धंधेबाज लोग भी तो गंदे ही होते हैं, सब तरह के धंधेबाज। तो नशा मुक्ति दिवस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बात रखते हुए कि सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि समाज को भी उठकर आगे आना होगा, कानून बनाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि अगर नशे को पूरी तरह से उखाड़ फेंकना है तो उसको सबको मिलकर सहयोग देना ही होगा।